झगहा थाना क्षेत्र के गजाईकोल गांव में मंगलवार को सुबह करीब 7 बजे पुरानी जमीन के रंजिश में दो पक्षों में मारपीट के दौरान एक पक्ष के 50 वर्षीय जीवित के इलाज के लिए लखनऊ ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। आपको बता दें, इसी विवादित जमीन को लेकर मृतक जीवित और उसके चचेरे भाई रामकरण आमने सामने हो गए। कहासुनी के दौरान दोनों पक्षों में लाठी डंडे से जमकर मारपीट हो गई। इस दौरान मृतक सहित मृतक के पुत्र नागेंद्र छोटू, पुत्री पूजा, शैला और रीना गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान उपचार के बाद जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज और मेडिकल कॉलेज से लखनऊ के लिए रेफर किए गए। 50 वर्षीय जीवित की लखनऊ ले जाते समय सहजनवा के पास मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलते ही सीओ चौरी चौरा रचना मिश्रा भारी पुलिस बल के साथ घटना स्थल पहुंच गए। इस संबंध में सीओ चौरी चौरा रचना मिश्रा ने बताया कि पुरानी रंजिश में हुई मारपीट में इलाज के दौरान मृत्यु हुई है। अभी तक तहरीर प्राप्त नहीं हो सकी है। प्रत्यक्षदर्शियों और मृतक के पुत्र के बयान पर कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए चौरी चौरा सीओ रचना मिश्रा ने कहा, आबादी में हमारे पिताजी यहाँ से लेके पिताजी का जी। अच्छा, आज हमें दिन में जानकारी हुई कि थाना जंघा के ग्राम गजाईकोल में जीवित हरिजन नाम के एक व्यक्ति के परिवार और उनके पटीदार जयकरण और रामकरण के परिवार के बीच में किन्हीं बातों को लेकर के सुबह अचानक झगड़ा शुरू हुआ। उस झगड़े की बातें कहासुनी से बढ़ के मारपीट तक पहुंच गई, जिसके क्रम में आपस में दोनों पक्षों में मारपीट हुई। जीवित हरिजन को कुछ चोटें आईं, जिसके कारण उन्हें यहां से सिविल अस्पताल गोरखपुर के लिए रेफर किया गया। वहां से बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर किए जाने और फिर लखनऊ रेफर किए जाने के दौरान रास्ते में उनकी मृत्यु होना बताया गया। जी, मृतक के पुत्र के द्वारा बताए जाने के अनुसार अभी तो तहरीर हमें प्राप्त नहीं है, लेकिन जैसा कि प्रत्यक्षदर्शियों एवं उनके पुत्र के द्वारा बताया गया है, तो उस क्रम में हमने कई लोगों को उठाया है, जिसमें जांच कर आगे की विधि कार्रवाई की जाएगी।